प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं और लगातार जय श्री राम और मोदी मोदी नारे लगते हुए मोदी ही आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, सिर्फ मोदी 24 में 2024 में सिर्फ मोदी मोदी आएगा, मोदी सरकार आएगा सर। इस बार का प्रधानमंत्री मोदी सरकार। ये बताइए कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने से कुछ नहीं होगा सर? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। मंगोलपुरी से आई हैं अम्मा और कह रही हैं भाजपा को फिर से जिताएंगे 24 में। हाँ जिताएंगे, और कोई पार्टी नहीं? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी अम्मा को अच्छे लगते हैं। चलिए चलिए मैडम, आपने मोदी जी का तस्वीर लिया हुआ है, क्या लगता है 24 में क्या होगा? 24 में भारी मतों से जीत करके आएंगे प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी, पूरा दिल्ली में, मतलब पूरे लोकसभा पूरा होना चाहिए योगी, और दिल्ली में होना चाहिए मोदी। मतलब आप लोगों को किसको लगता है कौन दिला देगा? मोदी दिलाएगा, मोदी है है। तो मतलब 24 में फिर से आप ला रहे हैं मोदी आएंगे है, तो मुमकिन है। विरोधी में किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी को कहाँ देख रहे हैं? देश भारत छोड़ो मिक्स में सारे जो भी आएंगे ना, राहुल गांधी 50 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकता। राहुल गांधी रिटायर्ड हो गए हैं, अब राजनीति से रिटायर्ड है, उनकी अंतिम यात्रा चल रही है। उन्होंने खुद ही बोल दिया है मैं मर गया हूँ। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर उपस्थित होंगे, और आप मैं लोग कैमरा पर्सन से कहूंगा और दिखाएं लोगों का हुजूम। कुछ ही देर में यहां प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित होंगे रोड शो के दौरान अपने। आज इतना बड़ा हुजूम दिल्ली जंतर मंतर के पीछे उपस्थित है यहां पे, और यहां पे प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। आप ये भीड़ देख सकते हैं, यहां से 2024 का आगाज होगा, 2024 की रणनीति तय होगी। 2024 लोकसभा को चंद महीने बचे हुए हैं, क्या होगा? हम रोड शो दिखा रहे हैं आपको। रोड शो के दौरान बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाए वीडियो कैमरा के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की रैली को। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आ चुका है, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर वो उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं और लगातार जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगते हुए यहाँ पर, जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगते हुए, और आप देख सकते हैं तमाम फूलों की बरसात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के। और आप सामने देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो के दौरान। लगातार मोदी मोदी के नारे आपको देखने को सुनने को मिल रहा है, और आप ये देख सकते हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, तमाम भीड़ यहाँ उपस्थित है। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे इस रोड शो के दौरान। क्या लगता है सर 2024 में क्या होगा? ओनली मोदी जी, ओनली मोदी। आपका रिकॉर्ड होता है ना, बताइए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी उधर भारत जोड़ो सब बेकार है, वो भारत छोड़ो अपने आप को छोड़ देगा, वो छोड़ने वाली चीज है, वो भारत छोड़ देगा। दो नाव पे सवार होता है, आपको भी पता है, कभी वो सक्सेस नहीं होता। अच्छा ये बताइए, ये विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है, महागठबंधन बनता है 24, बीजेपी की जो फुल परसेंटेज है, एकजुट कभी नहीं होगा ये। नहीं नहीं, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई साहब, अगर वो इकट्ठा भी हो जाता है बीजेपी की वोट परसेंटेज 50% से ज्यादा जाए। मैडम आपने मोदी जी का तस्वीर लिया हुआ है, क्या लगता है 24 में क्या होगा? 24 में भारी मतों से जीत करके आएंगे प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी, पूरा दिल्ली में, मतलब पूरे लोकसभा पूरा। आप फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं मोदी? हाँ जी। ये बताइए कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या कहेंगी? कुछ तो असर नहीं होगा? नहीं। आप एक बार बताइए, भारत टूटा ही कब था? आप बताइए, टूटा था क्या? उनका तो कहना है कि भाजपा तमाम वो चीजें कर रही है। एक बार टूटा था, वो भी 47 में, वो भी तोड़ने वाली कांग्रेस, ना तो बताइए बनाने वाले भी कांग्रेस,
मतलब ये तो अपना अपनी चीट अपना पट कर रही है, तो अभी सिर्फ एक दिखावा है भारत जोड़ो यात्रा है, वापस उनको वहीं पे आना है राहुल बाबा को अपनी जमीनी स्तर पे, वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने तो कहा मैंने राहुल गांधी को मार दिया है और कोई नया ही राहुल गांधी को मार दिया है। अच्छा वो ऐसा बोल रहे, दूसरा जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, सिर्फ भाजपा वाले राहुल गांधी को जानते हैं और कोई नहीं। अच्छा भाजपा वाले जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। वो मर के भी जिंदा होके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे मोदी जी 2024 में प्रचंड बहुमत, कितनी सीट, 400+। 400+ जो नहीं हुआ कभी, वो इस बार 2024 में सारे वो तोड़ के 2024 में भारी बहुमतों से 400+ सीटें लाके मोदी जी को हम प्रचंड बहुमत से। क्या माँ 24 में किसको ला रही हैं? मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को ला रही हैं। मोदी जी मुझे बहुत प्यारे लगे। अच्छा हाँ, दिल से, दिल से बहुत दिल से जो आए हमें। आपने देखा मोदी जी को? हाँ देखा है। ये बताइए कि और कोई पार्टियां नहीं दिख रही है, महंगाई वगैरह नहीं दिख रही है? सब दिख रही है पर मोदी मेरे को बहुत पसंद आए। हाँ हाँ 24 में आप उन्हीं को लाएंगे? हाँ हर चीज का आराम दिया, आराम मिला, सब चीज का आराम दिया, जैसे सारे जगह हर चीज में राज लाया, इतनी सारा ही आराम है। जैसे मैं एक बता दी, हाँ घर में गैस नहीं थी, हाँ उन्होंने गैस दे, गैस मिला आपको? हाँ गैस मिली, सब कुछ लगा लगाया, सबको वैक्सीन लगी हुई है, लोगों की जान बचाई, जान बचा दी उन्होंने मोदी जिंदाबाद। अच्छा बताइए विपक्ष कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, भाई साहब महंगाई है ना, महंगाई वो होती है जो श्रीलंका में हुई, पाकिस्तान में हुई कि पूरा देश ही बर्बाद हो रहा है, अमेरिका परेशान, ये महंगाई नहीं होती। कहाँ से आई हम? हम दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ? मंगोलपुरी। मंगोलपुरी से आई हैं अम्मा और कह रही हैं भाजपा को फिर से जिताएंगे, 24 में जिताएंगे, और कोई पार्टी नहीं? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगते हैं मोदी अम्मा को, अच्छे लगते हैं। चलिए मोदी का उसमें नाच हो रहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 24 में मोदी ही आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, सिर्फ मोदी 24 में, 2024 में सिर्फ मोदी, मोदी आएगा, मोदी सरकार आएगा सर, इस बार का प्रधानमंत्री मोदी सरकार। ये बताइए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने से कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। अच्छा महंगाई है? महंगाई तो है, जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से महंगाई है, महंगाई है सरकार। कौन खत्म करेगा महंगाई? मोदी करेगा। अच्छा जो ही सरकार बैठेगा वही गरीब का दुख झेलेगा ना। स्टूडेंट जो है पढ़ाई लिखाई में इन सबको भी दिक्कत हो रहा है, उतना ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। सेवा बस्ती से आया इनको मोदी जी का इतना चाव, इनको देखा मोदी जी को, और उनकी जितनी भी सफाई अभियान है सब में ये लोग आगे आगे रहते हैं। मकान झुग्गियों की जगह मकान मिला कि नहीं आप लोगों को? अभी नहीं मिला, अभी इनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अभी कमला, अभी दिल्ली में जो बटे थे, कालका जी में बटे थे, अभी हमारे इलाका भी नंबर आने वाला, रानीबाग का नंबर आने वाला, सबका नंबर आने वाला। मतलब आप लोगों को किसको लगता है कौन दिला देगा? मोदी दिलाएगा, मोदी है मुमकिन है, मोदी है तो मतलब 24 में फिर से आप ला रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये रोड शो के दौरान हम देख रहे थे, तमाम महिलाओं से हमने बात की, क्या चल रहा है, 24 का आगाज हो चुका है और तमाम लोग मोदी को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोग कितने दूर दूर से आया से आए आपने से? शकुरपुर बस्ती से आया है हम लोग, बस्ती से। सिर्फ मोदी को देखने? हाँ मोदी का देखना आया है, झुग्गी पन्नियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं हम लोग, झुग्गी। आप लोगों को लगता है मोदी जी दिलवा देंगे? बिल्कुल दिलवाएंगे, महंगाई मोदी जी ही कम करेंगे, भरोसा है। यूपी से? हाँ नहीं हम लोग बिहार से, बिहार मधुबनी जिला, बिहार यूपी दोनों से। यूपी यूपी में तो यूपी में तो बताइए योगी जी हैं सब काम, योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। नहीं हमको हमको मोदी करता है बिहार में भी, बिहार में बहुत बन गया है लोग, मगर बिहार से यहाँ भी है। जुगी है ना वहाँ बना दीजिए सीमेंट फैक्ट्री हम लोग के। होना चाहिए योगी और दिल्ली में होना चाहिए मोदी। यूपी में मतलब केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे विपक्ष जो है? सब यही रहेंगे, कहाँ जाएंगे, सब लोग यही। अखिलेश यादव भी तो हैं और बाकी लोग? अखिलेश यादव इतना काम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही ना जितना काम किया। सरकार बैठ गया है मोदी बन के तो सबको तो दुख झेलेगा, वही सबको मिटेगा दुख, यही है बताओ तो। मत गरीब मोदी जी को आप 24 में ला रहे हैं? हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेवा बस्ती के कुछ लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे महिलाओं से कि मोदी सरकार को 24 में फिर से लाना चाहिए। जी कर दीजिए झुग्गी के, वो है हम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।